शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम ठीक हो ना सुनो ना अधिराज, हम इस संकट से बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। ये दैत्य भी हमारे पीछे पड़ गए हैं। कोई नक्शा नहीं था वहां, वहां केवल कुछ भयंकर छिपकलियां थी जिससे मुझे लड़ाई करनी पड़ी। एक बात बताओ डाकिनी, तुमने मुझे वहां नक्शा लेने के लिए भेजा था ना, या फिर मुझे खत्म करने की कोई योजना बनाई थी? तुम्हें खत्म करने के लिए हमें किसी योजना की जरूरत नहीं, और दूसरी बात, हम तुम्हें खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि तुम ही हो जो हमें मणि तक पहुंचा सकती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो नक्शा मिल गया हो और तुम हमसे छुपा रही हो ताकि वो मणि तुम अपने पास रख सको? यदि ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पास लौटकर वापस आती, पर डाक गुरु ने तो कहा था कि वो नक्शा वहीं मिलेगा, तो फिर वो गया का? तो इसका अर्थ तो ये है कि डाक गुरु की बातों का कोई महत्व नहीं, तो उनकी शक्ति किस काम की? डाक गुरु ए मूर्ख सर्पिका, ये क्या किया तूने?
सर्पिका, ये अज्ञानी है, ये आपकी शक्तियों से अनजान है। क्षमा कीजिए इसे, क्षमा कीजिए। क्षमा मांगते हैं, माफ कर दीजिए इसे, क्षमा कर दीजिए डाकुरु। मुझे आपकी शक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए था, क्षमा कर दीजिए। लिया, डाक गुरु की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अगर वो नक्शा वहां नहीं है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य होगा। कुछ तो हुआ है वहां। हमें क्षमा करते ना, अगर हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज तुम इतने बड़े संकट में नहीं फंसती। नहीं अधिराज, आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, ना मैं उस मोहिनी का पीछा करती और ना ही आप मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंचते। आज आप मेरी वजह से कितने बड़े संकट से लड़ रहे हैं। सुनो ना, तुम्हारे लिए लड़ते हुए हमारे प्राण भी चले जाए तो हमें दुख नहीं। मेरा दुख इस बात का है कि हम चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाते। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है अधिराज, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही कि आप ऐसे कठिन समय पर भी मेरी आंखों के सामने हो। सुंदर हो सुनती, एकदम निर्मल, निश्चल, कोमल। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें पत्नी के रूप में तुम मिली। सुने बहुत प्रेम करते हो। मैं जानती हूँ अधिराज, मैंने आपके प्रेम को महसूस भी किया है। हमारी छोटी छोटी पूंछ, आपका मेरा साथ देना, मेरा ख्याल रखना, ये सब आपका प्रेम ही तो है। हम अम्मे माँ से यही प्रार्थना करेंगे सुनैना, कि अगले सातों जन्म हमें पति के रूप में तुम्हें मिले। हमारा रिश्ता अटूट है अधिराज, जो कि सिर्फ 7 दिन नहीं, 7 महीने नहीं, बल्कि 7 फेरों से हमारा रिश्ता 7 जन्मों तक जुड़ा हुआ है। हम साथ जिएंगे अधिराज, क्योंकि हमारा प्रेम हमें हर संकट से बचाएगा, क्योंकि
प्रेम परीक्षा लेता है पर प्राण नहीं। देख लेना प्रेम की शक्ति हमें विजयी बनाएगी। और अधिराज आपको तो प्रजा और राज्य का भी ख्याल रखना है ना। हाँ सुमन, यदि हम मेहमान चाहेंगे तो हमारी राज्य हमारी प्रजा सब सफल हो। आदिराज हर संकट में अम्बे माई हमारा साथ देती है। या देवी सर्वभूतेषु राज पेड़ संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तुम्हें हमारे को विश्वास है सुनो? खुद से भी ज्यादा। वहां क्या हो सकता है? हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि वो नक्शा किसी और के हाथ लग चुका है? पर आपने तो कहा था डाक गुरु ने केवल आपको सूचित किया था उस स्थान के बारे में और आज ही किया था, तो स्थान के बारे में किसी और को कैसे पता चल सकता है? क्या कैसे ये हमें नहीं पता, पर हमारा मन कह रहा है कि वो नक्शा किसी और को मिला है और अब हमें उस नक्शे को नहीं बल्कि उसे ढूंढना है जो हमसे पहले उस नक्शे तक पहुंच चुका है। इसका मतलब कोई और काली शक्ति? नहीं, कोई दूसरी काली शक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। सिर्फ 5 काली शक्तियों वाली सर्पिका या फिर कोई दिव्य शक्ति। इसके पीछे सुनैना का हाथ तो नहीं? ये सुनैना कहाँ चली गई? अधिराज की माँ अस्वस्थ है, उसी की सेवा में लगी होगी। अगर वहां नहीं हुई तो होगी यही कहीं महल में, ढूंढते हैं ना। कहीं ऐसा ना हो कि मालकिन का संदेश सच हो जाए। उस नक्शे में क्या है वो तो हम पता लगा कर आएंगे सुनैना, और उस सर्पिका को भी नहीं छोड़ेंगे। राजा साहिब की जय। महारानी साहिब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो आप दोनों को याद कर रही हैं। अधिराज आप रानी माँ से मिलकर आइए, मैं मंदिर जाकर आती हूँ रानी माँ के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के लिए। बहुत हो गया कहना और सुनना, अब सर्पिका करके दिखाएगी।
कहीं जा रहे हैं रानी साहब? कहे तो हम भी आपके साथ चले? तू क्या मेरा साथ देगी सर्पिका? क्योंकि अच्छाई और बुराई का साथ संभव नहीं। और एक बात, बहुत जल्द तेरा ये खेल खत्म होने वाला है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं जानती हूँ सुनैना, आज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है? तू ही है ना वो नक्शा पढ़कर तूने ही उसे अदृश्य किया है ना? हाँ, मैं जानती हूँ उस नक्शे के बारे में, और ये भी जानती हूँ कि वो तेरे हाथ कभी नहीं लगेगा। ओ, मैंने तो बस हवा में तीर चलाया था। तो वो तू ही है, तूने ही वो नक्शा चुराया। अब तू देख सुनैना, उस नक्शे की जानकारी मैं तुझसे कैसे निकलवाती हूँ? तुझे जितने प्रयास करने हैं कर ले, पर तेरे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। ये देख, ये कोई साधारण कुंदा नहीं है, ये मेरी अंबे माँ का आशीर्वाद है। और जिसके सर पर अंबे माँ का आशीर्वाद हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं। मैं जानती थी तेरी इस भक्ति की शक्ति के बारे में, इसलिए आज मैंने बहुत सोच समझकर योजना बनाई है। हे अंबे माँ, चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। अधिराज, हमें अपनी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, हमें आपकी चिंता है। आज हमने बहुत विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न? कैसा स्वप्न? हमने देखा कि आपको कोई काली शक्ति अपनी ओर खींच रही है। आप ये सब भूल जाइए मां, हाँ? आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये केवल स्वप्न है और कुछ नहीं। कैसे रखें ध्यान, बताइए। आज मंदिर के बाहर आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उसे सुनकर हमारा हृदय विचलित हो रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। माँ, कुछ नहीं होगा, आप अकारण ही चिंता कर रही। नहीं आते, सुने ना, सुनैना कहाँ है? माँ वो मंदिर गई है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अंबे माँ से प्रार्थना कर ले। सुनैना को अभी तक आ जाना चाहिए था। उसे लेकर आई है अधिराज, चारों तरफ काली शक्ति का प्रकोप है, कुछ भी हो सकता है, उसे अकेला मत छोड़िए। हाँ माँ, हम अभी सुनैना को लेकर आते हैं। शीघ्र जी। बोल, वो नक्शा कहाँ का था? पता? वो चाबी कहाँ मिलेगी? बोल। चाहे जितने भी प्रयत्न कर ले, तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, ना वो नक्शा और ना ही वो चाबी। और बहुत जल्द मेरी अम्बे माँ तुझ जैसी काली शक्तियों का विनाश भी कर देगी। मैं सर्पिका हूँ, जब तक तू उस नक्शे के बारे में नहीं बताती, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बोल। जय अंबे माँ, जय अंबे माँ, जय अंबे माँ। सुनैना,
सुनेना ये तुम क्या कर रही हो सर्पिका? इसे घायल करके तुम्हें क्या मिलेगा? नक्शे की जानकारी। नक्शा? आपका संदेश सही था मालकिन, सुनैना को नक्शे के बारे में सब कुछ पता है। नक्शे से जुड़ी कोई भी जानकारी तुम सुनैना से नहीं निकलवा पाओगी सर्पिका। तुम इसे कितनी भी चोट पहुंचा दो, ये अपना मुंह नहीं खोलेगी। मैं सर्पिका हूँ, मैं इसका वो हाल करूंगी कि ये सब कुछ खुद ब खुद उगलने लगेगी। रुको, इसे डाक गुरु के पास लेकर चलो। अब वही बताएंगे कि सुनैना से नक्शे से जुड़ी जानकारी कैसे निकलवानी। सुनैना की शक्ति से, उसके मस्तिष्क से सारी सूचनाएं निकाल कर एक जादुई पत्थर के माध्यम से किसी दूसरे के दिमाग में डाल सके, फिर हमें उस नक्शे से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो सुनैना, पर ये यहाँ पर कैसे? कहीं सुनैना किसी मुसीबत में, कहीं उस काली शक्ति सर्पिका ने तो सुनैना बहुत अभिमान था ना इसे अपनी भक्ति की शक्ति पर। अब मैं देखती हूँ ये कैसे बचती है।